हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो दिन की शुरुआत कुछ ऐसे हुई थी कि एसी लगाने के लिए लोग आ गए यहाँ पर। चादर बेडशीट ख़राब ना हो इसलिए एक और बेडशीट हम लोग बिछा रहे हैं, और फिर बस काम शुरू हो गया। आउटडोर लगाना, इंडोर लगाना, ये हमें बिल्कुल नहीं पता था आज का दिन ऐसे होने वाला है गाइस। सीरियसली, इतने से काम के लिए इतना ड्रामा, माय गुडनेस। स्टार्टिंग में तो ओके लगा सब कुछ, बट जैसे जैसे टाइम अनफोल्डेड, गॉश, आप भी देखिए गाइस, बने रहिए व्लॉग में। ये बन गई है चाय लोगों के लिए, ये जाके देते हैं। ये लो चाय दे दो उनको। और गाइस, आज के दिन आप देख सकते हो बारिश आ रही है, इतने दिनों से आ ही नहीं रही है और आज बारिश आ रही है। अनु क्या कहना चाहे, क्या बोल रहे, दो तीन दिन से बारिश आ रही है। तो गैलरी की हालत देख सकते हो गाइस, अब कैसी बना दी है। मतलब अब मुझे पूरा साफ़ करना पड़ेगा। आउटडोर तो लग गया है, बट यार सफाई और अंदर की हालत देखो आप। 3 घंटे हो चुके हैं इनको और अभी तक ये सिचुएशन में है कि इनका एसी लगा ही नहीं है, और अनु भी यहाँ पे हेल्प करने लग गए। ऐसा लग रहा था कब कब मैं सफाई करूँ, कब ये लोग निकलेंगे, कब मैं सफाई करूँ। जैसे ही ये लोग गए आउटडोर का काम करने के लिए, तो मैंने जल्दी 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 झाड़ू लगाना चालू कर दिया। पूरी मिट्टी हो चुकी थी और डस्ट पूरा बैठ गया था हर एक चीज़ों पर, तो मैंने साफ़ करना चालू कर दिया फटाफट से। आउटडोर के लोग काम कर रहे हैं और ऑलमोस्ट हो ही गया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि कर लेती हूँ फटाफट से। और ये धूल की वजह से मैंने पूरा अपना फेस कवरअप कर लिया है, नहीं तो डस्ट की वजह से कभी कभी सर्दी होने के चांसेस हो जाते हैं, इसलिए फिर गुंडा बन के मैं सफाई कर रही हूँ। और फिर जैसे जैसे फिर ये लोग अलमारी सरका रहे थे, तो उसका जो डोर का ये है वो निकल गया नट, और फिर मुसीबत। एसी लग गई और लाइट चली गई, वाओ ग्रेट। अब इसको देखते हैं कैसे कवरअप करना है। गाइस लिटरली बारिश हो रही है, मैन बारिश हो रही है यहाँ पे, और बेचारा एसी लगा है, लाइट चली गई। अब ये पानी से शुरू है, बिकॉज हमारे पास इन्वर्टर है, पर इन्वर्टर पे एसी चला नहीं सकते। सो वर्कर्स वेट कर रहे हैं कब इसका इंस्पेक्शन हो और एसी चल रही है नहीं बराबर, पता चले। गाइस क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। हाथ में रिमोट है बट हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, लाइट कब आएगी समझ में नहीं आ रहा। और थोड़ी बहुत सफाई तो मैंने कर ली है, और अभी थोड़ा और बहुत उधर साइड का करना बचा हुआ है। बट क्या हो रहा है यार, आज ही के दिन आनी थी इसको बारिश, और ख़त्म ही हो रही है, लाइट भी नहीं जा रही है, तो मेरे काम पूरे अटके हुए हैं। तो लाइट आ चुकी है और चेक किया तो एसी लग गई थी, तो बहुत ज़्यादा हम लोग खुश थे। और गैलरी वैलरी ये सब मैंने साफ़ कर दिया, और एसी भी आउटडोर भी चेक किया, बढ़िया सब अच्छा लग गया। यहाँ पे हमने प्लांट लगाया था कड़ी पत्ते का, तो वो देखते लगता है नहीं, यहाँ तक सब ठीक चल रहा था, हमें लगा सब अच्छा हो जाएगा बट। और बस वो लोग चले गए और मैं पोछा मारना चालू कर दिया, तो देख सकते हो आप गाइस पानी शुरू हो गया ऐसे टपकना। तो आधे घंटे बाद हमको इस बारे में पता चला, मतलब 20-25 मिनट्स बाद, फिर उनको कॉल करके बुलाया, फिर ये आए। अब ये लोग फिर चेक कर रहे हैं, अब देखिए क्या होता है आगे। फिर से निकाल के सब कर रहे पानी और अनु यहाँ पर पकड़ गए, देखो पूरा दम लगाते हैं वहाँ से पूरा पानी, क्या काम कर रहे हैं मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। देखो आप देख ही सकते हो, लाइव फुटेज में दिखा रहे हैं, ये तीसरी बार निकाल रहे हैं। सो बज रहा है, देख लीजिए गाइस, अब ऑलमोस्ट 4 o'clock, पौने ग्यारह बजे से शुरू है और 10:45 से उसका कॉल है कि मैं आ रहा हूँ, तो हम फिर तब से, मतलब मुझे आराम करना है। मैं अभी फ्रेश अप होके ही सोचा कि अरे वाह बढ़िया आराम करूँगी इसी में, तो ये चिढ़ा रही है क्या करूँ। उन्होंने 2 बार इसके पहले भी, एक बार लगाया और उसके बाद फिर एक और बार लगाया, क्योंकि वो कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो आड़ा क्यों लगाया, आड़ा दिख ही रहा होगा आपको, उसमें आड़ा है क्योंकि वो पाइप से पानी फ्लो होकर बाहर निकला, आउटडोर यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद, आड़ा लगाने के बावजूद भी वो निकल रहा है।
अभी क्या बोलना, अभी तीसरी बार फिर निकाल के उन्होंने लगाया, नेक्स्ट चेक की निकलता है नहीं, पानी लीक होता है तो ऐसे लगा के पहले चेक कर रहे हैं ना। हाँ वो एक ही लीक हो रहा है यानी, लेट्स सी, हवा तो आ रही है ठंडी, पूरा कर्टन भी गिर रहा। हाँ पर्दा भी गीला हो चुका है, वॉल भी गीली हो चुकी है, और ये होने के बावजूद भी 10 मिनट बाद पानी फिर टपकने लगा, तो फिर चादर पूरी कवर अप और मेरी जो सफाई थी वो वेस्ट जाने वाली है। और फिर ये चढ़ गए एसी के ऊपर और क्या कर रहे हैं पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अभी पूरा खोल खाल करके करेंगे, इंटरनली लग रहा है कुछ, उनको लग रहा है कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि उन्होंने जो भी फिटिंग किया है वो सब फेल होते जा रहा है, पानी टपक ही रहा है, ड्रॉप ही हो रहा है, तो देखते हैं। उड़ गया अनु, एक कर्टन को हटा रहे हैं, क्या टूट गया यार। ये साल का समर मेरा और बारिश भी अभी हुई है ना गाइस, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा हो चुका है, ह्यूमिड होता है ठीक है, बारिश होने के बाद ह्यूमिड क्योंकि होती है फिर रुक जाती है, होती है तो अभी भी ह्यूमिड, बट ए जस्ट मेरे हिसाब से मैं 3 मिनट थी बस 3 मिनट और मुझे वहाँ पे पता चला वो पानी ड्रॉप हो रहा है। तो लंच में मैंने कब से करेला बना के रखा है, दाल बना के रखा है, बट भूख लगी है यार, कब होगा काम खत्म। बाहर से हल्का सा निकला पानी पाइप से, हल्का सा, ज्यादा नहीं। अरे तो यहाँ से लीकेज है ना, अंदर से ही लीकेज है। ओ मैंने कंपनी से ही खराब पीस आया है क्या, पता नहीं। बताइए 4 घंटे के ऊपर हो गया है, हम बैठे हैं सारा ड्यूटी में गए, ये चक्कर में बताइए काम कर रहा है अभी, खोल के पूरा खोल दिया है, पूरा खोल के काम कर रहा है अभी, बताइए हम क्या करें। मेरी सफाई की वाट लग चुकी है। मैं ये बोल रही हूँ कि हाउ टू हैंडल दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, मतलब समझ नहीं आ रहा है यार कितना टाइम, हमारे लिए भी एक सस्पेंस की तरह शुरू है। तो गाइस स्टे ट्यून्ड, बताते हैं एसी लगी, एसी ना हो गई, पता नहीं क्या हो गया यार, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है आगे क्या होगा, क्या होगा, सस्पेंस मूवी की तरह देखते रहेंगे, अब भी हम भी दिखाते रहेंगे और बताते हैं कि एसी कंपनी की तरफ से आई है उसी में फॉल्ट है या फिर उनके इंस्टॉलेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी इनका 4th या 5th अटेम्प्ट है लगाने के लिए, एसी पूरा ही तोड़ताड़ कर दिया है, एसी को अंदर का पार्ट, ऊपर का पार्ट, बाहर का क्या क्या कर दिया है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और उनको भी नहीं समझ में आ रहा है शायद, क्या पता। और देखो आप जिसमें वो हैंग किया था ना एसी बेस, जिसमें एसी हैंग किया था उसी को वो लोग निकाल रहे हैं वापस। मतलब ये सीन देख के तो मतलब मिक्स्ड फीलिंग थी, गुस्सा आ रहा था, हंसी आ रही थी, मतलब वाह, क्योंकि उनको रियलाइज़ हुआ कि वो बराबर से लगाए, देखो फिर ड्रिल कर रहे हैं, तो क्या हो क्या रहा था, बस करो यार। तो अब जाके एसी लग चुकी है, थोड़ा सा भी पसारा जो है फिर साफ करना है, इसी बात की तो चिड़ आती है। अगेन मैंने साफ़ सफाई चालू कर दी, जो थोड़ा पहले के मुकाबले थोड़ा कम था बट स्टिल थोड़ा ख़राब हो गया था, तो जल्दी जल्दी मैंने सब सेट किया। गाइस मैं जस्ट खाना लेके आई और लाइट चल गई, मैं जब से सोच मैं एसी में बैठूंगी, मैं खाना जैसे ही वो लोग चले गए मैं रोटी बनाने चली गई, मैंने प्लेट ला के मैं खुशी के मारे हाँ फाइनली मैं एसी में बैठूंगी, आप दिखा दीजिए लाइट चली गई, मतलब अभी मैं क्या ही बोलूं यार। चलो खाना खाते हैं, आप खाना तो खा लेंगे, आ जाओ। तो गाइस देख लीजिए टाइम क्या हो रहा है, और ये टाइम पे हमारा लंच हो रहा है अभी। फाइनली
See you in the next vlog. Bye guys.